नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार रात टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीटों के पहले बैच को दिल्ली से रवाना किया। इस दौरान उन्होंने उरी मूवी के फेमस हुए डायलॉग हाउस द जोश को दोहराया। इन एथलीटों को बड़ी तमन्नाओं के साथ जापान भेजा गया है। एयरपोर्ट पर इनके लिए शनिवार को रेड कार्पेट बिछाया गया था। इसके साथ ही तालियों, चीयर्स और शुभकामनाओं के साथ आठ खेलों से जुड़े खिलाड़ी टोक्यो की फ्लाइट में रवाना हो गए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होने वाले ये खिलाड़ी आर्चरी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिमनास्टिक, स्विमिंग और वेट लिफ्टिंग में देश को रिप्रेजेंट करेंगे। भारत सरकार ने खिलाड़ियों के लिए जाने के लिए स्पेशल लाइन बनाई हुई थी। अनुराग ठाकुर के अलावा खेल राज्य मंत्री नीतीश प्रमाणिक, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल संदीप प्रधान और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी और अध्यक्ष शामिल थे। इस दल में कुल 88 मेंबर थे, जिनमें 54 एथलीट हैं और बाकी स्पोर्ट स्टाफ और आईओ के लोग हैं। ओलंपिक जापान के टोक्यो में 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। आपको बता दें, कुल 127 भारतीय एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले 117 को ओवरहॉल करते हुए एक रिकॉर्ड है। बताते, भारत के 228 लोगों के दल में 119 खिलाड़ी शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन सख्त प्रतिबंधों के साथ दर्शकों के बिना होगा। वहां पर भी तिरंगे के मान सम्मान के लिए एकजुट होकर अपने खेल में अच्छा करेंगे। तो मेरे साथ जय घोष करने के लिए तैयार है, सब तैयार है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने के लिए जो भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं, वो अपनी मेहनत, अपने अनुशासन, अपनी निष्ठा के कारण यहां तक पहुंचे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, ये अपनी पूरी ताकत भी लगाएंगे, लेकिन कोई मानसिक दबाव ना हो, ये हम सबका प्रयास रहना चाहिए। इसलिए उनको हौसला बढ़ाने के लिए हम सब लोग आए थे। हमने अपनी ओर से प्रयास किया, मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में, ताकि इन खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मिल सके और आगे भी टोक्यो में भी कोई दिक्कत ना आए, उसका भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत के खिलाड़ी तिरंगे का मान सम्मान करेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।